अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आज बहुत ही दिनों के बाद काफ़ी फ्रेश होके मैं ये जौन सा है ना आज वीडियो बना रही हूँ। तो आज मैं बड़ी ही डिफरेंट सी जौन सा वो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो मैंने सोचा कि अब कुछ ज़रा हटके मतलब बना दिया जाए। ये मेरे स्टाइल में है जो मैं रेसिपी आपको दे रही हूँ, तो बहुत ही सिंपल और जल्दी बन जाती है। तो मैं जौन सा है ना ये बना रही हूँ वाइट चिकन कढ़ाई, क्रीमी मतलब क्रीमी चिकन कढ़ाई, बोनलेस जौन सी होती है ना, नहीं हांडी उसको बोलेंगे, हाँ हांडी बोनलेस होती है। तो आप इसको कुछ भी नाम दे दें, क्योंकि जो रेसिपीज़ मैंने खुद क्रिएट की होती है ना मुझे समझ नहीं आता मैं उसको क्या नाम दूँ ना। तो समझेंगे वाइट जौन सा बोनलेस चिकन हांडी ही है। तो उसके लिए जो मुझे चीज़ें चाहिए वो मैंने तकरीबन ये चार अदर छोटे मैंने प्याज काट लिए हैं, और मसालों में जो सा है एक चम्मच मैंने नमक का ले लिया, एक चम्मच ही मैंने इसमें काली सॉरी वाइट जो सा ना पीसी हुई वो सफ़ेद मिर्च ली है, और एक कप इसमें दही जाएगा। और चिकन मैंने तकरीबन ये लिया है 1 kg, लेकिन मैंने बोनलेस लिया है लेग और थाई का, क्योंकि इतना जूसी होता है बोनलेस हांडी बनाओ तो ड्राई हो जाती है चेस्ट की। तो मैंने जो सा ना लेग और थाई को बोनलेस करके तो उसके क्यूब्स काट लिए, और साथ में मुझे चाहिए हरी मिर्च का पेस्ट तकरीबन ये भी 1 चम्मच, और एक एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और 1 चम्मच ही मुझे ज़ीरा चाहिए होगा, और 1 पैकेट क्रीम का। तो इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये देखें मैंने पानी गर्म होने के लिए रखा हुआ था, ये पानी हो चुका है गर्म, और साथ ही अब इसमें मैं ये डाल दूँगी प्याज। प्याजों को हमने जो है ना इस पानी में अच्छी तरह से उबालना है, उबाल के जो इसका कच्चापन है और इसको यानी कि अच्छी तरह से जो है ना पका के तकरीबन 5 मिनट तक इसको तेज़ आंच पे फुल बॉईल करके इसको निकाल लूँगी मैं जी। तो ये प्याज देखें काफ़ी हद तक बॉईल हो चुके हैं, और अभी इसको मैं तकरीबन 2 से 3 मिनट अभी और बॉईल होने के लिए रख दूँगी। और साथ में मैंने आपको दिखाना था कि ये देखेंगे चिकन मैंने बोनलेस किया ना लेग और थाई का, ये लेग का पार्ट है और ये थाई का इस तरह से। तो इसके मैंने जो है ना ये इस तरह से बोनलेस करके, तो ये देखें इसके भी मैंने ये चिकन के क्यूब्स बना लिए थे। आपने जब भी बोनलेस कुछ भी बनाना हो, बोनलेस हांडी, बोनलेस चिकन से रिलेटेड कोई भी सालन, या बोनलेस मतलब बिरयानी चावल कुछ भी, तो यकीन करें मेरी बात मान के देखें कि ये लेग और थाई का जो है ना ये बोनलेस आप बनाएं, एक तो टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा, और जो यानी कि मीट होगा वो इतना जूसी होगा कि बहुत यानी कि इसको खाने का मज़ा आएगा। तो ये मैं बताना भूल गई थी कि इसमें 1/2 कप ऑयल भी जाएगा, और एक तकरीबन 1/2 स्टिक जो सी है ना एंड पे लास्ट पे इसके ऊपर मक्खन की भी जाएगी। आप चाहें तो इसमें 1/2 कप के बजाय 1/2 कप यानी कि ऑयल भी कर सकते हैं, मक्खन ना भी डालना चाहें तो कोई मसला नहीं, आधा जौन सा है ऑयल वो आप पहले ये यूज़ कर लें, और बाद में एंड पे जब मक्खन डालने की बारी है तब भी आप जौन सा ना उस पर ऑयल ही यूज़ कर सकते हैं अगर आप मक्खन यूज़ ना करना चाहें तो। जी फ्रेंड्स, तो ये देखें ये प्याज जो से हैं ये तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं, ठीक है। तो इनको मैंने पानी से निकाल के ठंडा कर लिया है, और इसको अब चूल्हे से उतार के जो ये प्रोसीजर है वो इसको तकरीबन इस तरह ठंडा यानी कि ठंडे बर्तन में करना है। इसमें हम जो ये दही है ये ऐड कर देंगे सारा, और साथ ही इसमें जो ये मसाले हैं और इसमें साथ ही जाएगा हरी मिर्च का पेस्ट 1 चम्मच तकरीबन, और ये चिकन इसमें जाएगा, इसमें और साथ ही इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच भी चला गया, और अब इसमें जाएगा ये देखें 1/2 कप इसमें ऑयल अभी डाल दूंगी। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें बिस्किन बार। देखने में ही कितना मज़े का लग रहा है, अभी से मेरे तो मुंह में पानी आने लग पर है, और यकीन करें कि इतनी मज़े की बनती है ना रेस्टोरेंट स्टाइल की, पता नहीं आप मतलब
बनती बहुत मज़े की बनती है, एक तरह की रेस्टोरेंट टाइप ही लगती है। और ये सारी चीज़ें हम अच्छी तरह, इसको मैरिनेट नहीं करना, ये बस हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से चूल्हे से उतार के, मतलब इस पे नीचे आंच नहीं चली चाहिए, तो दही को और ये मसालों को, प्याज को, इन सब चीज़ों को इस तरह से अच्छे से मिक्स करके, तो फिर बाद में इसको मैं ढक्कन देके तो हल्की आंच पे इसको मैं फिर चूल्हे पे रख दूँगी। और इसमें जो देखें बिल्कुल सिंपल से मसाले, सिर्फ दही है, वाइट पेपर, नमक और हरी मिर्च का जो उनसे ना पेस्ट डाला है, इसको टेस्ट देने के लिए। बहुत ही सिंपल इसके इंग्रेडिएंट्स हैं और ये बहुत ही मज़े की बनती है। तो अब मैं इसको ढांप के चूल्हे पे रख देती हूँ। अच्छा जी, तो ये देखें, ये तकरीबन आँच कितनी हल्की मैंने रखी है, ये देखिए ये है तेज, ठीक है। तो इसको मैंने बिल्कुल, यानी कि जो मेरे पास लो है ना, इसको मैंने उस पर रखा है। तो अब इसके ऊपर मैं ये जो सा है वो कढ़ाई रख देती हूँ और इसको बिल्कुल हल्की आंच तक, थोड़ा सा पकने तक हमने इसको पकाना है। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी लुक, फाइनल लुक नहीं, बीच में एक दफ़ा इसको हम करेंगे। और ये तीन इंग्रेडिएंट अब रह गए हैं जो इसमें पड़ने हैं, थोड़ा सा हो जाएगा, फिर उसके ऊपर मैं ये साबुत ज़ीरा डालूँगी और फिर उसके बाद जब वो फाइनल कुक हो जाएगा फिर क्रीम पड़ेगी और एंड पे मक्खन पड़ेगा इसके ऊपर। एंड पे ड्रेसिंग के लिए हरी मिर्च और अदरक भी डल जाए, मेरे पास इसका अदरक घर पे नहीं है, ना ही धरा धनिया है, और हरी मिर्च वगैरह है बस, वो देखती हूँ। तो इसकी ड्रेसिंग देखते हैं कैसे करते हैं। ओके जी फ्रेंड्स, तो ये है इसकी मिड लुक, क्योंकि दरमियान में इसको एक दफ़ा हम ऊपर नीचे करेंगे। ये देखें जी, ये इसमें दही है और चिकन ने भी अपना पानी छोड़ना था, दही ने भी अपना पानी छोड़ना था। ये देखिए इसमें हमने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया, लेकिन इसमें देखें इसका खिलाफ। तो एक दफ़ा इसको ऊपर नीचे ज़रूर कर लेंगे ताकि गोश्त जो सा वो कच्चा पक्का ना हो, तो फिर इसको दोबारा से पकने के लिए रख देंगे जब तक कि अच्छी तरह सारा पानी खुश्क ना हो जाए और मसाले सारे इसमें रच ना जाए। ये बिल्कुल पानी खुश्क हो जाएगा और उसके ऊपर ऑयल आ जाएगा। ये देखें जैसे कि चिकन कच्चा है ना, तो इसको मैं ऊपर नीचे करती हूँ ताकि सारा अच्छी तरह से बन जाए। यहाँ पे मैं थोड़ी सी इसकी आँच तेज़ कर दूँगी क्योंकि पानी अब जो सा है वो हो चुका है, अब मुझे इसको ड्राई करना है। तो क्या खुशबू आ रही है आपको मैं बता नहीं सकती, इतनी मज़े की है ना, याद करेंगे आपको कि मैंने आपको क्या रेसिपी दी है। इतनी टेस्टी ये बनती है ना, आप लोग इस पे ज़रूर इसको बनाइएगा, स्पेशल किसी ओकेजन पे अपने फैमिली के लिए या फ्रेंड्स वगैरह के लिए या मेहमानों के लिए, यकीन करें आप याद करेंगे, दुआएं देंगे मुझे, इतनी मज़े की ये रेसिपी है। अब ये देखिए इस पे मैंने कहा था ना हाफ कुक होगा, तो फिर इसमें मैं ये तकरीबन एक चम्मच मैंने इसमें ज़ीरा ऐड कर दिया, ठीक है। तो ज़ीरा ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स 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 करेंगे, जैसे कि काइना बोलती है, मिक्स 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 मामा मिक्स। तो अब ये आप खुद देख चुके हैं इसके हालात कि चिकन ने और दही ने कितना पानी छोड़ दिया है। तो अब हम इसको एक दफ़ा इसे ढांप देंगे, वैसे पानी खुश करना तो ढांपना नहीं चाहिए, लेकिन अभी मुझे इसको ढांपना ही है क्योंकि मैं इसको भी अच्छी तरह पकाऊंगी ताकि चिकन अच्छी तरह से पक जाए, और फिर जब पानी खुश करना होगा तो फिर मैं इसको ढक्कन दिए बगैर इसका पानी खुश करूँगी। उसको अब ढांप के रख देते हैं मज़ीद 5 मिनट के लिए। जी तो फ्रेंड्स, इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, तो देखिए काफ़ी हद तक इसका पानी हो चुका है खुश और ये ग्रेवी की तरफ जा रहा है। अब मैं इसको ढक्कन दिए बगैर तेज़ आंच पे इसका पानी अच्छी तरह से खुश करूँगी ताकि इसका और भी ऊपर आ जाए। जी फ्रेंड्स, तो ये देखें जब हमने इसको तेज़ आंच करके तो इसका पानी खुश करना, तो उस वक्त आपने चम्मच हिलाते रहना, मतलब इसमें आपने हाथ नहीं रोकना, ये वो स्टेज है क्योंकि इसमें दही है, तो ज़ाहिर बात है दही का जो सा ना, और ये देखिए अब जैसे ये मसाला, क्योंकि प्याज और दही आपस में काफ़ी हद तक जो सा रच बस गए हैं तो ये ऑयल भी ये देखिए पहला छोड़ने लग पड़ा है ना मसाला, और ऑयल आने लग पड़ा है। तो बस इस स्टेज पे आपने ये करना है, चम्मच हिलाते रहना है, आपने इसको जो सा ना इसके भरोसे नहीं छोड़ना, और आँच तेज़ करके बस इसको फुल अच्छी तरह से भूनना है ताकि इसका ऑयल अच्छी तरह ऊपर आ जाए, दही अच्छी तरह से भून जाए, मसाला प्याज जो से अच्छी तरह से भून जाए। और ये तकरीबन थोड़ा सा मेहनत वाला काम है, तकरीबन इसमें आपको 2 से 3 मिनट लगेंगे, लेकिन ये है कि जब डिश बनके रेडी होगी ना तो आपकी सारी मेहनत पूरी हो जाएगी, जब आप इसको खाएंगे और लोग तारीफ़ करेंगे कि आ हा हा क्या खाना बनाया,
तो ये सारी मेहनत इसमें जो है ना आपकी पूरी हो जाएगी। तो बस ये मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है, हाथ नहीं रोकना इसमें ना अच्छी तरह जब तक ये देखिए ये अभी भी इसमें है, ये बिल्कुल बिल्कुल यानी कि अभी इसने मसाला भूनना है और ऑयल अच्छी तरह ऊपर है जो मैं आपको दिखाती हूँ। तो मज़ीद बस चम्मच हिलाते रहना आपको। तो ये देखिए फ्रेंड जी इसके ऊपर ऑयल आ चुका है ये जैसे कि आप देख रहे हैं, ठीक है। और ये पैंदा छोड़ चुका है और ये दही और ऑयल बिल्कुल अलग अलग हो चुका है ना, अगर आप इसको हिला के भी देखें तो ये अलग ऑयल अलग हो रहा है और दही का ऑयल देखिए ज़रा मैंने ज़रा सा हाथ रखा तो ये देखें इसके नीचे लगना शुरू हो गया। तो अब मैं यहाँ पर इसकी करती हूँ आँच बिल्कुल हल्की, चाहें तो आप इस वक्त इस स्टेज पर ज़रा चूल्हा बंद भी कर दें, ठीक है, क्योंकि अब इसमें हमने ऐड करनी है वो क्रीम। ये देखें ज़रा ये थोड़ी देर के लिए मैंने बस छोड़ा तो ये देखिए हल्का सा ना नीचे ला दोगे। तो बस यही है इसका मतलब, हाथ नहीं रोकना ना, अभी ये नॉन स्टिक है। तो ये देखिए अच्छी तरह भून चुके हैं वाइट चिकन बोनलेस हांडी। अब इसमें ये तकरीबन एक पैकेट में क्रीम का डाली, मैं यहाँ पे कुकिंग क्रीम यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो आप टेट्रा पैक वाली भी जो भी मिलती है, मतलब ऑलपर्ड की या मिल पैक की जो भी आपको क्रीम मिले ना, तो आप वो जो है ना इसमें मलाई मकसद है मलाई इसमें ना ऐड करनी है। तो यहाँ पे तो आपको पता है कहाँ फ्रेश क्रीम मिलती है या इस तरह से, तो इसलिए मैं इसमें फिर कुकिंग क्रीम यूज़ कर रही हूँ। फ़र्क कोई भी नहीं होता, जायका वही होता है, लेकिन बस ये है कि अवेलेबिलिटी की बात है, जो आपके पास अवेलेबल हो बस आपने डालना है ताकि जायके में फ़र्क ना आए, जायके में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। अब इसमें ये डाल दिया और आँच मैंने बिल्कुल हल्की कर दी थी। और आप लोगों ने अगर चूल्हा बंद किया हो तो इसको क्रीम को ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद तो इसको ज़रा आंच को बिल्कुल धीमी आंच पर रख के ऑन कर दें। और ये देखें अभी से इसके ऊपर ऑयल आना शुरू हो गया, इसको भी ज़्यादा देर नहीं लगेगी, बस इसमें जो सा ना ये एक दो मिनट लगेंगे तो ये बिल्कुल अच्छी तरह क्रीम भी इसमें रच बस जाएगी। ठीक है, तो इसको मैंने तरह एक मिनट के लिए रख दिया था ढाँक के, तो बिल्कुल हल्की आँच पर। अब इसमें ये मैं मक्खन ऐड कर दूँगी, ठीक है, मक्खन ऐड करने के बाद इसको मैं फिर बिल्कुल भी नहीं अभी हिलाऊँगी, अच्छी तरह से इसको बस ऐसे रख के तो अब इसको मैं ढाँप दूँगी ताकि इसमें मक्खन अच्छी तरह से पिघल जाए और फिर मैं इसको फूल लूँ। ओके फ्रेंड्स, तो ये देखें जी माशाल्लाह जी माशाल्लाह माशाल्लाह इसकी है ये फाइनल लुक। और ये देखें इसमें मक्खन ना हिलाने का जो था मकसद वो ये कि वो अच्छी तरह से ऊपर तैर रहा नज़र आ रहा है। और चूल्हा इस वक्त मैं कर चुकी हूँ बंद और ये देखेंगे जी ये आपको क्रीम और इसका मसाला बिल्कुल ऑयल से अलग अलग नज़र आ रहा है, इसका मतलब कि कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। ये देखिए ये मसाले की निशानी है कि ऑयल और जो दही और क्रीम का मसाला है वो बिल्कुल अलग अलग हो ना, और इस तरह से ये ऐसे फटी फटी सी लगे ना, तो ये बिल्कुल रेडी शेडी है। अब इसको मैं करती हूँ डिश आउट और बहुत ही मज़े की बनी है मैं इसलिए कह रही हूँ आप लोग इसको खुद ट्राई करें और बनाएं खाएं फिर मुझे बताएं कि मैं सच कह रही हूँ कि झूठ कह रही हूँ। तो इसको हम डिश आउट कर लेते हैं जी फ्रेंड्स। तो ये देखें जी ये कढ़ाई बनके बिल्कुल रेडी है और इसको जो सा है वो मैंने हरी मिर्चों से गार्निश कर लिया है और इसकी आप लुक चेक करें माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये थाई के पीसीज होने की वजह से ये इतनी जूसी भी होगी ना, और आप इसको रोगनी नान के साथ सादा नान के साथ या पराठों के साथ इसको सर्व करें तो इसको बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे रेसिपी अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।